छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 3 वीर सावरकर वार्ड में कुछ दबंग लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जो नाला 200 से 250 फीट का हुआ करता था, उसे 50 फीट का बना दिया है एवं नाली की जमीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण कर लिया है एवं डाइवर्टेड प्लाट के नाम पर बिक्री की जा रही है, जिसमें जमीन मालिक सिंह एवं प्रिंस राजपूत के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 के वीर सावरकर वार्ड में नगर निगम ने बगैर अनुमति लिए धड़ल्ले से मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना पूर्व में नगर निगम अधिकारी को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि नगर निगम कर्मचारियों की भी मिलीभगत है, जो कि वार्ड में आकर देखते नहीं है। वार्ड पार्षद बंटी उइके के द्वारा अपने वार्ड में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार, जिला ब्यूरो चीफ, जिला छिंदवाड़ा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, वार्ड नंबर 3 वीर सावरकर वार्ड, और यहाँ के पार्षद है बंटी उइके। यहाँ अनधिकृत रूप से ये जो जमीन में कब्जा किया गया है, ये सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन का जो नाला है ये तकरीबन 200 फीट का था, जिसे 50 फीट का बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, और ये जो मकान बना है आगे, ये पूरा नाले में मकान बनाया गया है और सरकारी ज़मीन को प्लाटिंग करके बेची जा रही है। शासन प्रशासन अभी तक मौन है, नगर निगम कर्मचारी अभी तक एक बार भी मौके पर आकर नहीं देखे हैं, और अगर मौके पर आकर जाँच की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, ये चारों तरफ ये कैप्चर किया गया है, यहाँ कोई प्लाट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी सरकार देख रहे हैं इस नाले को, ये त्रिकोण नाला बना हुआ है, और उधर से जो नाला आया हुआ था ये भी 150 फीट तकरीबन चौड़ाई थी इसकी, तो यहाँ मट्टी पूर कर इसको छोटा कर दिया गया, और इसके कारण यहाँ सड़क में परेशानी हो रही है। और ये जो सड़क देख रहे हैं आप यहाँ से, ये तो ये बस इतनी ठीक दिख रही है, इसके आगे पूरी सड़क खराब कर दी गई है। सिर्फ किनके कारण आज ये यहाँ जो संचालन हो रहा है, अवैध रूप से जो संचालन किया जा रहा है प्लाटिंग का, और ये जो कबाड़ की दुकान देख रहे हैं, गाड़ियां आती जाती है, नगर निगम मौन है, अभी तक आकर एक भी कर्मचारी ने देखा नहीं है, और ना नाले की साफ सफाई हो रही है। इससे यहाँ मोहल्लावासी बहुत प्रताड़ित और परेशान है। जिला छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 3 वीर सावरकर वार्ड में जब नर्मदा की पुकार की टीम पहुंची, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोड और नाले की बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आओ चर्चा करते हैं ग्रामवासियों से और मोहल्ले वालों से। सर, ये बताएंगे यहाँ कब से समस्या है? आवेदन भी दिए थे आपको? ये बहुत दिन से समस्या ये है। हाँ, काफी दिनों से है। हाँ, और यहाँ के अध्यक्ष भी आए थे। हाँ, नाला देखने के लिए। हाँ, ये जो नाला है ये रोक देता है इस नाले को। हाँ, पानी रुक जाता है पूरा। हाँ, लोगों के घरों में पानी जाता है, ये समस्या बहुत है। एक बार में जेसी मशीन भेज है निगम वालों ने, जेसी मशीन ने चौड़ा किया नाला को थोड़ा सा और गहरा किया, उसके बाद में कोई आकर देखे नहीं। ये कारण क्या है कि ये नाला जो त्रिकोण नाला बना हुआ है, तो पानी का भराव के कारण ऐसा हो रहा है, या ये प्लाटिंग कर रहे हैं जो नाले को पूर रहा है उसके कारण? इनका जो प्लाटिंग है कुछ 10-12 प्लाट है इनके। हाँ, लेकिन इन लोगों ने बढ़ा दिया और प्लाट को। हाँ, प्लाट को अधिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने और नाले के अंदर में। आप ये बताइए, रोड की समस्या कब से है? ये रोड की समस्या सर, ये प्लाटिंग इन्होंने किया जब से, ये पहले तो ये कच्ची रोड थी, अभी ये रोड इन्होंने ये थोड़ा कच्चा बनाया है, तब से ये हमारे घरों के सामने कीचड़ मच गया, काली मिट्टी होने के कारण हमको बहुत आवागमन में परेशानी हो रही है, और पानी रुक जाता है। पानी पहले निकासी हो जाती थी, अब पानी निकासी नहीं होता, आराम से सूखता है, और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। इसलिए हमारा विशेष ध्यान है कि इस पे ध्यान दे करके इस पे सड़क निर्माण और नाली बनाई जाए। निगम में भी आपका नाम? बंसीलाल साहू। कब से निवासरत हैं आप? मैं 23 साल से। 23 साल से, तब से ये समस्या बनी हुई है? नहीं, ये समस्या पहले कच्ची रोड थी, परंतु अभी वर्तमान में ये अभी समस्या ये अभी हो गई है, पहले तो ठीक था ये, काली मिट्टी नहीं थी। निगम में भी आवेदन दे चुके हैं? पहले थोड़ा सा ही था, आना जाना हो जाता था, परंतु अब आना जाना भी ये हो गया है। ये आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक काली मिट्टी की रोड है ये, और इस रोड में नाली की व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है। सीवर लाइन, दोनों ओर सीवर लाइन का ये जो काम किए थे इनने, इसके बाद से रोड खराब है। सीवर लाइन का गड्ढा भी हो गया है, ये गड्ढे बने पड़े हुए हैं सीवर लाइन के, और नाली की साफ सफाई की भी सुविधा नहीं है। नगर निगम को भी कई बार आवेदन दिया, पर नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये गड्ढा देखिए किस प्रकार से, इसका भराव भी नहीं हुआ है,
और प्लस ये जो मकान सामने बनाया गया है ये टोटल नाले में कैप्चर करके बनाया गया है। आपको हम दिखाएंगे कि जो कैप्चर करने वाले अपने नाम का डाइवर्टेड प्लाट का बोर्ड लगाकर किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये रोड की हालत ये जो है गड्ढे एक एक डेढ़ डेढ़ फीट के गड्ढे हो रहे हैं, लोग पत्थर डाल डाल के और क्रशिंग कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ये जी का है जो मकान सामने नजर आ रहा है, कैप्चर करके नाले को मकान बनाया गया है और नाले को टूट के प्लाटिंग की जा रही है। मैं मनोज सोनी, जिला ब्यूरो जिला छिंदवाड़ा से नर्मदा की पुकार।